एक खास बात है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत वेरिड सेक्टर्स और नीच कैटेगरीज में भी एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण इन्वेस्टर्स अपने पसंदीदा और ट्रेंडिंग कैटेगरीज में कम टाइम और एफर्ट डालकर भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर टॉप मार्केट सेक्टर्स की बात की जाए तो इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर कहीं भी पीछे नहीं रहता चाहे वो डेवलपमेंट हो या इन्वेस्टर्स के लिए एक अपीलिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं फाइव पैसा के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल ऐसे ही एक फंड के बारे में जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को काफी अच्छे तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्टर्स के फंड्स को इंडिया के बेस्ट आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है हम बात कर रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में वैसे अगर नाम में टाटा हो तो रिलायबिलिटी तो अपने आप ही आ जाती है पर फिर भी आइए एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर क्यों आप जैसे इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन 26 अगस्त तक अपडेटेड है एंड प्लीज इस फंड के कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ ले टाटा डिजिटल इंडिया फंड का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है अपने 80% परसेंट नेट को इक्विटी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनीज जो इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर आई हार्डवेयर में डील करती हैं उसमें इन्वेस्ट करें और अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट दें ये म्यूचुअल फंड स्कीम टाटा म्यूचुअल फंड के अंडर एक डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम है जिसका रीसेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज फाइव थाउजेंड एट वर्थ तक है इस फंड के मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सर्विसेज कैपिटल गुड्स फाइनेंशियल सेक्टर्स साथ ही अगर इसके टॉप फाइव होल्डिंग्स की बात की जाए तो वो है इन्फोसिस लिमिटेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारती टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के मार्केट लीडर्स भी हैं फंड की करंट एन की बात की जाए तो ये रूपीज थर्टी है ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसका इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 91.60 परसेंट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में की है अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने कैपिटल को एटलीस्ट फाइव टू सिक्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि क्योंकि ये एक काफी मॉडरेट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है तो आपको शॉर्ट टर्म में भी लॉसेज होने की संभावना है इस फंड में इन्वेस्ट करने के मेन रीजंस के बारे में बात करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड स्कीम के रिटर्न्स की बात की जाए तो इस फंड ने अपने लॉन्च डेट से करीब 20.95 तक के एवरेज एनुअल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं जिसका मतलब ये है कि इस फंड ने हर तीन साल में इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टेड फंड्स को डबल किया है इस फंड के रिटर्न्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी अपने कैटेगरी से मॉडरेटली हाई है और एक फॉलिंग मार्केट में अपने लॉसेस को कंट्रोल करने की इस फंड की क्षमता एवरेज है यह फंड अपने बेंचमार्क निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स के कंपैरिजन में लास्ट थ्री इयर्स से मॉडरेटली परफॉर्म कर रहा है इस फंड का केगर लास्ट फाइव इयर्स में करीब 27.5 परसेंट रहा है जो मॉडरेट हाई रिटर्न्स कैटेगरी में फॉल करता है ये फंड एक वॉलेटाइल मार्केट में लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहने का पोटेंशियल भी रखता है टाटा डिजिटल इंडिया एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल को फॉलो करके अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में एक काफी स्टेबल कैपिटल अप्रिसिएशन देता है ये फंड करीब सिक्स इयर्स से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है ये फंड रिटेल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले फंड में से टॉप कैटेगरी में है क्योंकि अफोर्डेबल होने के साथ साथ इन्वेस्टर्स को यह रिलायबल भी बहुत लगता है इस फंड के अगर एयूएम के बाद की जाए तो वो लास्ट मंथ के कंपैरिजन में रुपीज फोर करोड़ से इंक्रीज हुआ है जो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ की निशानी है चलिए जानते हैं कि आप इस फंड में फाइव पैसा के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड या ऐसे कई टॉप और रेलेवेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे किए जाए तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ फाइव पैसा के प्लेटफॉर्म पर जाकर एक डी अकाउंट खोलना है और चूज करना है सिंपली सेक्टोरल ओरिएटेड म्यूचुअल फंड प्लान को हालांकि इन्वेस्ट करते टाइम इस बात का खास ध्यान दें कि आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें और मार्केट रिस्क को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करें अपने फाइव पैसा डीमैट अकाउंट को खोलने के बाद आप अपने अकाउंट पर लॉग कर सकते हैं उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए उसमें टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस फंड को आप इजिली हमारे पैसा के प्लेटफॉर्म में बाकी सिमिलर कैटेगरी फंड से कंपेयर भी कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके लिए स्कीम एक बेस्ट ऑप्शन है। आप ये भी चूज कर सकते हैं कि, कि किस तरह आपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है चाहे वो एस का ऑप्शन हो या एक लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप एस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इस फंड में आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि आपकी इस फंड के बारे में क्या ओपिनियन है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए फाइव पैसा ऐप को डाउनलोड करें